सनी देओल नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो इस्तीफा दो फिल्म अदाकार सनी देओल जदों दे राजनीति विच आए ने उदों तो लगातार चर्चा दा विशा बने हुए ने। सनी देओल दे हल्के दी गल कर ली जावे तां जदों दे ओहो लोकसभा मैंबर चुने गए ने, संसद मैंबर चुने गए ने, उस तो बाद उन्होंने अपने हल्के दे लोकां दी गल नहीं सुनी। कुछ दिन पहला होया इंज सीगा कि बाजारां दे विच पठानकोट जां गुरदासपुर की गल कर ली जावे तां उत्थे बाजारां दे विच उन्हां दी गुमशुदगी दे पोस्टर लगाए गए सन, जदों कि इस तो पहला पिछले साल भी रेलवे स्टेशन गुरदासपुर के उत्ते उन्हां दे पोस्टर लगाए सन। पर हुण इह मामला जिहड़ा आ ठंडा नहीं पै रहा, लगातार जिहड़ा यूथ कांग्रेस वल्लों सनी देओल दा विरोध किया जा रहा, पर इत्थे हुण यूथ कांग्रेस वल्लों सनी देओल दे खिलाफ़ एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। तस्वीरां तुहानू दिखाने आ, तस्वीरां दे विच तुसी देख रहे हो ये जो घर है पठानकोट दे विच सनी देओल जिहड़े कि संसद मैंबर ने उन्हां दा घर है, घर दे बाहर यूथ कांग्रेस दे वल्लों प्रदर्शन किया जा रहा जिस दे विच उन्हां वल्लों पकौड़े तले जा रहे हैं। आओ पहलां देखदे हां वो तस्वीरां। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, बेरोजगारों ना धक्का करन वाली सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार सनी देओल जिंदाबाद, सनी देओल जिंदाबाद, सनी देओल जिंदाबाद, सनी देओल जिंदाबाद। इस तस्वीर दे विच तुसी देख रहे हो कि किस तरीके नाल यूथ कांग्रेस दे जवाना मन्नियों जड़े इकट्ठे हो के इत्थे सनी देओल दे घर दे मूहरे पानी दे विच पकौड़े तल रहे ने। पानी विच पकौड़े तलन दे पिछे उन्हां दा कहना है कि पिछले दिन ही सरकार ने कहा सी बेरोज़गारां दे मामले विच कि बेरोज़गार जो ने वह पकौड़े तल के भी गुजारा कर सकते ने, पर हुण तां महंगाई इन्नी ज़्यादा हो चुकी है, तेल इन्ना महंगा हो चुक्या कि आखिर पकौड़े तलीए तो किस चीज़ में तलीए। जाहिर है कि पानी तो बगैर पकौड़े हुण जिहड़े ने वो तले नहीं जा सकते, पानी जो है उहदे विच ही पकौड़े तलदे वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस बारे की कहिंदे ने यूथ कांग्रेस के यह जवान, आओ उन्हां दे मूँहों सुणदे आ। अज दा जिहड़ा प्रोटेस्ट आ साडा जिला यूथ कांग्रेस की समुची टीम वल्लों, साडे वरुण कोहली जी जिला महासचिव इंचार्ज भोहालका और सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर और सारे साडे साथी यूथ कांग्रेस के सनी देओल जी के कोठी के बाहर प्रोटेस्ट करन लई आए ने। साडे प्रोटेस्ट का मेन रीज़न है, देखो एक कहावत है पंजाबी दी बहुत ही वधिया, दो बिल्लियां दी लड़ाई च बांदरबाजी मार गया। उही मोदी सरकार ने कुछ पेट्रोल डीजल दी लड़ाई च सरों का तेल आ जिहड़ा वह बाजी मार गया। इस करके अज असी पानी दे विच पकौड़े तल के मोदी साहब नूं खवाण आए हाँ, सनी देओल जी नूं प्रेजेंट करन आए हाँ कि वह खाण। गरीब बंदे अज पानी दे विच नमक मिर्च घोल के खा पी के अपना गुजारा कर रहे हैं तां कि उन्हां नूं गरीबां दा किते टेस्ट पता चल सके और किते उन्हां दी अकल टिकाणे आ सके। ते जिहड़े वह झूठे जुमले जिहड़े वादे करदे ने किते सच्चाई दी राह ते जिहड़े उन्हां को साल दो साल बचे ने उन्हां ते ही चल पैण। बहुत ही माड़ा हाल है अजकल साडे युवावां दा, बड़ा माड़ा हाल है, बेरोज़गारी इन्नी वध गई है, शर्म आनी चाहिए है। मैं तो कहना हाँ मोदी सरकार को अस्तीफा देना चाहिए, इमीडिएटली अस्तीफा देना चाहिए। सर अज का जिहड़ा प्रोटेस्ट है ये महंगाई से है, महंगाई बहुत उपर चल गई है। अज तो है 7 साल पहले महंगाई के मुद्दे पर ही आए थे कि आप महंगाई को दूर करांगे, तो अज देखो पेट्रोल 100 रुपये लीटर जा रहा है, कई स्टेटा च तो 102 रुपये भी है। तो पेट्रोल न तो दूर की गल है, जी आम गृहिणी की जरूरत है सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल वह सर 250 रुपये लीटर के करीब पहुँच गया, 250 रुपये किलो। तो इन्होंने अज तो 3 साल पहले सानू एक सुझाव दिता सी, साडे सारे बेरोजगार भरा बैठे ने इन्हों एक सुझाव दिता सीगा कि जिहड़ा बंदा बेरोजगार है वह पकौड़े तल के भी रोज़गार पैदा कर सकता। तो अज की डेट च 250 रुपये लीटर सरों का तेल हो गया, तो आप पकौड़े तलन तो भी बेरोजगार हो गया। फिर आप एक नवी डिश क्रिएट की है पानी दे पकौड़े, ये पानी दे पकौड़िया की दुकान पर तुसी आए हो, असी पानी दे पकौड़े कढ़दे पे हाँ। तो पहला टेस्ट अही सनी देओल जी करावांगे, फिर अही उन्हां दे थ्रू अमित शाह जी ते मोदी जी नू ये पैकिंग फूड भेजांगे, जे वो साडी डिश पास करनगे ते आपां ये काम दोबारा तो शुरू कर सकते हैं। अच्छा तुहाडे लोक कित्थे प्रोग्राम किया गया? सर ये पठानकोट च सनी देओल की कोठी के बाहर।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਕੌੜੇ ਤਲੀਏ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਲੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਗੱਲ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆਖਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਂਸਦ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੋ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।